तो गाइस एक बार फिर से आ चुके हैं लाल जैकेट और लाल चश्मा पहन के। तो है का और तारा पास पहनने को भाई, वो देखना कितना मस्त उजला उजला व्हाइट व्हाइट पहना है भाई। अबे भाई तो उसका जैसे अंबानी के रिलेशन वाले थोड़े हैं हम। अब बजमी का दिया हुआ कुछ 200-300 सिल्वर था, उससे खेले थे इस एक्स सूट का जुआ, लेकिन एक्स वाई जेड के नाम पे कुछ मिला ही नहीं भाई। और भाई सुबह सुबह तो इंडिया में किसी का हॉल पे हाल चाल मत पूछना, नहीं तो प्लेन में बैठे कुछ भद्र पुरुष आपको ऐसा रिप्लाई देंगे कि आपको अंदर से मीठा मीठा लगेगा। जैसे कि इस भाई को देखिए अब। भाई कैसे हो सब लोग हॉल चैट पे, जिंदा हो या मुर्दा, तेरी माँ की चूत लड़ाई। अब भाई ये रिप्लाई सुन के तो भाई का पूरा दिन बन गया होगा। खैर बहुत हुआ मीठा भेली, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गाइस आज का टॉपिक है कि डीपी का रिलोज इतना लंबा क्यों है। अबे ये कैसा टॉपिक है पे? अबे भाई सॉरी ये कैसा टॉपिक निकल गया, सॉरी तो भाई लोग आज बात करेंगे कि भाई कॉन्करर असल में भाई मिलता कितने पॉइंट पे है भाई। जैसे भाई 4200 तो लिखता है भाई, एस के करीब भाई 4200 लिखता है। अभी मैं एस डोमिनेटर के पास हूँ भाई, कॉन्करर के नाम पे घंटा कुछ कॉन्करर का निशानी भी नहीं है वहाँ पे भाई। मतलब भाई देख रहे हो लिखते तो 4200 है लेकिन देते नहीं है ये लोग, चीटिंग करता है तू। तो चलिए भाई लोग जानते हैं आखिर मतलब मिलेगा कितने पॉइंट पे। लेकिन भाई बजमी चीटर है भाई, ये तो आप लोगों को भाई पता होना चाहिए भाई, 4200 लिख के भाई देता नहीं है भाई। तो भाई लोग ये तो पता ही होगा कि टॉप 500 को ही कॉन्करर दिया जाता है भाई। पहले जब ग्लोबल वर्जन था ना भाई पबजी था, तो उसमें भाई 5000 बंदों को दिया जाता था, क्योंकि भाई बड़ा था पूरा ग्लोबल, मतलब पूरा एशिया को खेलना होता था। और ये भी भाई बजमी पूरा ग्लोबल छांट के आ गया, तो भाई 500 भाई फिर भी बंदे कम है ना भाई। इसमें भाई मैचिंग देख रहे हो भाई कितना, बहुत टाइम लेट से मैचिंग होता है, तो बंदे कम है भाई, तो इसलिए 500 को दिया जाता है भाई। अरे भाई तो हमारा पता ना था, तो जान लड़ा इसलिए तो बोलता है वीडियो पूरा देखो। खैर कोई ज्यादा लंबा भी नहीं बनाता है, 4 मिनट का वीडियो बनाते हैं हम, देखोगे ना आपसे। ठीक है पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी बंदा को देखिए, साला को इतना खोज है लेकिन साला पहाड़ के गांड में घुस जाएगा, भोसड़ के कूद जाएगा, किल भी नहीं देगा। तो भाई लोग आइए अब कुछ गहराई से जानते हैं, आपको रैंक दिखाते हैं अपना भाई कैसा भाई कितने पे मिलता है आखिर कॉन्करर। उसके पहले भाई ये देखिए हम बैठे हैं एस मास्टर में। अब चलिए भाई हम दिखाते हैं भाई कॉन्करर का पॉइंट दिखाता है किसमें असल में भाई। हम एस मास्टर में ये देखिए भाई, और इसकी एस 4200 पॉइंट पे भाई, 4200 पे एस है भाई, 4700 पे 500 बढ़ा लो एस मास्टर, 500 बढ़ा लो डोमिनेटर, और भाई फिर 4200 पे कॉन्करर भाई। मतलब ये दो क्या है भाई, बीच में ये घंटा क्या है भाई। जब भाई कॉन्करर पहले ही मिल जाएगा तो एस डोमिनेटर एस मास्टर करेगा कौन भाई। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपको पता है कि भाई 500 को ही मिलता है भाई कॉन्करर। भाई 500 बंदे थोड़े खेलते हैं भाई गेम, भाई बहुत सारे खेलते हैं यार, जैंक पुश कर करके भाई 5200 क्या कहे भाई, 5000 कौन कहे भाई, 6000-7000 पहुंचा देते हैं पॉइंट भाई, तो कैसे मिलेगा भाई 500 में भाई घुसना है हमको भाई। अब भाई यहाँ स्क्वाड का रैंक देख लीजिए भाई, टॉप 100 का दिखाता है भाई। देखिए 7098 पॉइंट पहुंचा दिया 7100, अब टॉप 100 को हमको लगता है 6800 पॉइंट तक होगा, 200 कम रहता है भाई। अब भाई कौन इतना 6800 पॉइंट तक कौन जाएगा भाई, मतलब जा सकते हैं भाई, अभी से तो हो नहीं पाएगा भाई इस सीजन में भाई। तो भाई मिलेगा भाई 4200 पे क्यों नहीं मिलेगा भाई, नेक्स्ट सीजन आप जितना फास्ट हो सके भाई, 2 दिन हो सके 3 दिन हो सके, अगर 4200 में घुसोगे ना भाई तो आपका रैंक खुद दिखाने लगेगा भाई, 10000 में कितने चल रहे हो भाई, 1% 2% ऐसे करके समझाता है दिखाता है। अगर आपको पता नहीं भाई 1% कितना होता है भाई, 10000 में कब आएगा भाई, तो पिछला वीडियो देखिए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए भाई, पूरा परसेंट के बारे में हम समझाए हैं भाई। तो भाई आप कहोगे भाई कॉन्करर मिलेगा कितने पॉइंट पे भाई, ये ना टॉपिक था। तो भाई देख लो भाई रैंक में जाकर चेक कर लो भाई, स्क्वाड का तुम्हारा चल रहा है 7000 पॉइंट, तो 200 घटा लो भाई, 500 टॉप 100 6800 पॉइंट पे होगा, डुओ का चल रहा तुम्हारा 5500 पॉइंट भाई, जितना पॉइंट दिखाता है ना भाई 200 घटा लो भाई, उतने में टॉप 500 के बंदे होंगे भाई। तो भाई उसमें घुस जाओ तुम, जितना पे रैंक चल रहा है उसमें घुस जाओ, अगर तुम अभी पास में हो एस मास्टर डोमिनेटर करीब हो तो उसमें घुस जाओ भाई, आराम से तुम्हारा मिल जाएगा भाई कॉन्करर भाई, भाई सिंपल है एकदम इजी भाई। तो भाई अगर अगले सीजन भाई, अगले सीजन का सोचो भाई, इस सीजन में भाई अभी तो लेट हो गया, अगर मैं बोला क्या भाई डोमिनेटर में हो तो ट्राई कर सकते हो तुम। तो भाई ले देखे भाई कितने पे मिलेगा कॉन्करर, जितना भाई टॉप 100 का पॉइंट दिखा रहा है ना भाई उससे 200 कम, यही समझ लो भाई 200 कम। तो भाई अगर अगले सीजन कॉन्करर करना है ना भाई, जिसमें भी करना है भाई, आसान तो डुओ है आजकल, अगर टीममेट है तुम्हारे पास तो सोलो भी आसान है भाई, कर सकते हो तुम। टीपी में भी करना कि एफपीपी में भाई जो करता है ना भाई लेट, मतलब पॉइंट कम प्लस होता है, लेकिन भाई पॉइंट कम पे मिल जाएगा तुम्हारा, 4200 पे तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन भाई पॉइंट बहुत कम प्लस मिलता है भाई आपको ये बता दें। तो भाई नेक्स्ट सीजन करना है भाई, तो आराम से इस सीजन में भाई डुओ सोलो स्क्वाड भाई किसी में भी तुम एस में छोड़ दो, आईडी भाई एस में छोड़ दो, आराम से प्लेटिनम 2 आएगा तुम्हारा, एस मास्टर में प्लेटिनम 1 आता है ऐसा कुछ करके आता है भाई पता नहीं, और तो भाई ऐसा छोड़ दो भाई, और वहाँ से तुम 2 दिन में आराम से पुश कर देना भाई, एकदम भाई कॉन्करर मिल जाएगा तुमको 2-3 दिन में भाई, तुम्हारा रैंक भी दिखाएगा उस टाइम, 10000 चल रहा है भाई, 5000 चल रहा है, 1% चल रहा है, तुम उस टाइम पुश करोगे भाई, एक दिन में 500 पॉइंट करके पुश करना भाई, और तुम ज़्यादा खेलते हो ना भाई, भाई मतलब हर एक मैच प्लस कराओगे ना भाई तो आराम से हो जाएगा भाई, टेंशन कोई बड़ी बात नहीं है भाई कॉन्करर भाई सिंपल। तो भाई यहाँ का सिचुएशन बड़ा क्रिटिकल था भाई, हाई ग्राउंड पे बंदे थे भाई, अब कर भी कह सकते हैं भाई। तो भाई आप काम करो भाई, पहले आप चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई। तो गाइस आप ये कर लो पहले, तब तक हम इनको निपटाते हैं। अबे ये कुछ सुना सुना लग रहा है यार, लगता है ड्रीम इलेवन का प्रमोशन कर रहे हो तुम। अरे नागिन नागिन नागिन, अबे भाई तो इच्छाधारी नागिन थी, कैसे मनुष्य का रूप लगा बैठा था। अबे इसका एक और पार्टनर होगा ना, अबे ले भाई। तो भाई
इस स्क्वाड वाइप अबे भाई डुओ वाइप के साथ भाई हम गेम को फिनिश करते हैं भाई। इंफॉर्मेशन कैसे लेगा पहले ये बताओ भाई, इंफॉर्मेशन भाई देते हैं समझ में आता है कि नहीं कुछ? हाँ तो समझ में आता है तो सब्सक्राइब कर दो।